दोस्तों, शापित चीजें दूसरों के बुरे के लिए काम करती हैं। इनका काम ही दूसरों की नींदें उड़ाना होता है। दोस्तों, हमने हाल ही में YouTube के कुछ रहस्यमय चैनलों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसने बहुत से लोगों का दिल जीता था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से YouTube से जुड़ी एक और रहस्यमय वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको YouTube की कुछ रहस्यमय और शापित वीडियो के बारे में बताएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है आई फील फैंटास्टिक नामक YouTube वीडियो। दोस्तों, यह एक वायरल रहस्यमय और अजीबोगरीब वीडियो है जिसने पूरे YouTube पे अपलोड होते ही हंगामा मचा दिया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लेडी रोबोट एक कमरे में गाना गा रही है। यह गाना रहस्यमय और अजीब है जिसे काफी हाई पिच पे रिकॉर्ड किया गया है, जिसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं: आई फील फैंटास्टिक, यू फील फैंटास्टिक, प्लीज लीव, रन रन रन। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि यह रोबोट अपनी पोजीशन कई बार बदलता है। यह वीडियो सन 2009 में YouTube पे अपलोड हुई थी। कई सीन्स में एक घर का बैकयार्ड भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रीक कहानी लिखी गई है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तंग होकर एक औरत का पुतला बनाता है। कोई यह वीडियो आखिर क्यों बनाना चाहेगा? और यह वीडियो एक रहस्य बन के ही रह चुकी है। नंबर 6 पे हमारे पास है सई शिन जोन नामक यूट्यूब चैनल की द हैंड थिंग वीडियो। सई शिन जोन चैनल बहुत ही अजीबोगरीब अपलोड से भरा हुआ है, जिसमें से एक वीडियो द हैंड थिंग काफी रहस्यमय है, जिसमें दिखा जा सकता है कि एक अजीबोगरीब सेटअप में एक इंसान अजीबोगरीब चीजें कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो का एक अजीब सा करेक्टर जिसके हाथ लकड़ी के हैं, और इस वीडियो का मेन करेक्टर हाथों द्वारा एक चीज कर रहे हैं जिसे वे हैंड थिंग बोल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कुछ देर तक ही फनी लगती है, उसके बाद ये डिस्टर्बिंग लगने लग जाती है। सई शिन जोन यूट्यूब चैनल की वीडियोस काफी क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। कहा जाता है कि इन्हें देख के मन खराब सा हो जाता है, जिससे यह वीडियो और यह चैनल रहस्य बन के ही रह जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है WPKEPKW नामक यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो यूट्यूब ने कई बार डिलीट की है, लेकिन यह वीडियो रहस्यमय तरीके से फिर से यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। जब यह वीडियो यूट्यूब पे पहली बार अपलोड हुई थी तब बहुत से लोगों ने कंप्लेंट की थी कि इस वीडियो को देखने से कई सारे साइड इफेक्ट सामने आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो हर कोई नहीं देख पाता। कई बार इसे सर्च करने पे यूट्यूब नो रिजल्ट्स दिखाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी का ब्लर्ड चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसके साथ साथ बैकग्राउंड में अजीब और रहस्यमय म्यूजिक चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस इंसान पे बहुत से जालिम एक्सपेरिमेंट किए गए थे और जिनका परिणाम गलत निकला था, और यह वीडियो उस इंसान की आखिरी वीडियो है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस वीडियो को एक बार YouTube पे देखने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा नहीं देख पाओगे, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कंप्यूटर में एक वायरस आ जाएगा जिससे आपके कंप्यूटर में उस इंसान की फोटोज बार बार आपके सामने आने लगेंगी। नंबर 4 पे हमारे पास है कैलनेक्स कंपनी की एक श्रापित एड। दोस्तों, यह एड काफी डिस्टर्बिंग है। यह एक टिश्यू बॉक्स की एड है जो काफी रहस्यमय और डिस्टर्बिंग है। दोस्तों, इस वीडियो का शूट ही बहुत ही अजीब और रहस्यमय तरीके से किया गया है। लेकिन हमारी बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि जब आप इस वीडियो को रात के 12 बजे देखोगे तो यह वीडियो
एक रहस्यमय मोड़ ले लेगी। हमारी टीम के एक सदस्य ने ठीक ऐसा ही किया और उन्होंने इस वीडियो को रात के 11:50 पे देखा। तब यह वीडियो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह वीडियो रात की 12 बजे चलाई तो इस वीडियो ने एक रहस्यमय मोड़ ले लिया। हालांकि इस ओरिजिनल वीडियो को YouTube ने अब डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको यह वीडियो बहुत से YouTube के चैनलों पे मिल जाएगी। लेकिन वो सभी वीडियोस अधूरी हैं, तो वो रात की 12 बजे वाली बात उन पे काम नहीं करेगी। नंबर 3 पे हमारे पास है suicidemouse.avi नामक YouTube वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो इंटरनेट पे काफी शेयर हुई है। कहा जाता है कि यह वीडियो शापित है। यह वीडियो सन 2012 में अपलोड हुई थी, लेकिन इसकी एनिमेशंस 1930 के हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मिकी माउस का लॉस्ट एपिसोड है, यानी कि यह मिकी माउस का एक गुम हुआ एपिसोड है। यह वीडियो पुरानी और बोरिंग लगती है, जिसमें देखा जा सकता है कि मिकी माउस एक पुराने रोड पे चला जा रहा है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुश कर देने वाला डिज्नी का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी डिस्टर्बिंग है, जिसमें चिल्लाने और मर्डर करने की आवाजें आती हैं। वीडियो खत्म होते होते खराब होने लग जाती है और लास्ट में कुछ रशियन लैंग्वेज में लिखा आता है, जिसका मतलब यह है कि आपके लिए नर्क के दरवाजे खुले हुए हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं कि बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद सुसाइड कमिट कर ली। कहा जाता है कि इंग्लैंड के कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखने के बाद सुसाइड कमिट कर ली थी। नंबर 2 पे हमारे पास है मरीना मोर्डेगार्ड ग्लासग्रोव नामक यूट्यूब वीडियो। यह वीडियो सन 2008 से इंटरनेट पे है और यूट्यूब पे कई बार अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें एक आदमी आपकी तरफ देख रहा है और पूरी वीडियो रेड कलर से ढकी हुई है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है, इस इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते रहते हैं, जो काफी डरावने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकेंगे कि इस आदमी की आंखें पूरी तरह घूम जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग इस वीडियो की वजह से अंधे भी हो चुके हैं, क्योंकि यह वीडियो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि इसे देखने वाले को अपनी आंखें नोचने का मन करता है। हालांकि इस वीडियो के ओरिजिनल चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी यह वीडियो अभी भी YouTube पे उपलब्ध है। नंबर 1 पे हमारे पास है कुकिंग आइडल नामक यूट्यूब वीडियो। यह वीडियो देखते समय काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। इस वीडियो के टॉपिक से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कुकिंग वीडियो है, लेकिन ऐसा क्या इसे डिस्टर्बिंग बनाती है? लगभग हर चीज। टूटी हुई डोल्स के टुकड़े टेबल पे बिखरे रहते हैं, हर जगह खून ही खून दिखाई देता है। यह वीडियो नैना 825763 नामक यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जो और भी काफी डिस्टर्बिंग वीडियोस से भरा हुआ है। इसमें कई वीडियोस चीटियों पे फोकस्ड है, जो रहस्यमय ढंग से बनाई गई हैं। दोस्तों, यह चैनल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये थी YouTube की कुछ रहस्यमय और शापित वीडियोस। दोस्तों, इस वीडियो को बनने में बहुत सी रिसर्च और मेहनत लगी है। हमने बहुत से दिन बिताए इन रहस्यमय वीडियो के रहस्य जानने के लिए। दोस्तों, हमने इन सभी वीडियोस से रिलेटेड जो भी बातें आपको बताई, वो सभी बिल्कुल सच थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सही में हुआ है कि बहुत से लोगों ने इन वीडियोस को देखने के बाद सुसाइड कमिट करी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पे भी, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में, मेरा नाम है प्रियंकेश, आप देख रहे हैं फैक्टशाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें।